नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों आज हम बात करेंगे मीन राशि के विषय में। मीन राशि में कितना नक्षत्र आता है, कितना चरण आता है और मीन राशि में जिनका भी जन्म हुआ हो जातक जातिका का उनका संपूर्ण आयु कितना होता है। आज मुख्य विषय है कि मीन राशि वालों का संपूर्ण आयु कितना होता है। प्रिय मित्रों देखा जाए तो मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इनका जो चिन्ह बताया गया है मीन, देखिए संस्कृत शब्द है, मीन का अर्थ है मछली। तो मीन राशि का स्वामी गुरु हैं और इनका जो चिन्ह है ये मछली है और मीन राशि जो है ये जल तत्व राशि हैं। इनका जो दिशा है ये उत्तर दिशा बताया गया है। प्रिय मित्रों आज हम आपके सामने संपूर्ण प्रस्तुत करेंगे कि जिनका भी जन्म मीन राशि में हुआ हो उनको क्या करना चाहिए, उनका व्यवसाय क्या होना चाहिए, वो किस फील्ड में जाएंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, संपूर्ण फलादेश आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। प्रिय मित्रों एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं, आज का मुख्य जो विषय है कि मीन राशि में कितना नक्षत्र आता है, कितना चरण आता है और मीन राशि में जिसका भी जन्म हुआ जातक जातिका का उनका संपूर्ण आयु कितना होता है। प्रिय मित्रों सबसे पहले हम मीन राशि के विषय में फलादेश करेंगे, उनका स्वभाव कैसा होता है, किस फील्ड में जाना चाहिए, उनका व्यवसाय क्या होना चाहिए। प्रिय मित्रों देखा जाए तो मीन राशि का स्वामी गुरु हो गया, चिन्ह इनका मछली हो गया, इनका तत्व जो है जल तत्व है और दिशा इनका उत्तर दिशा है। जिसका भी जन्म मीन राशि में जातक जातिका का हुआ होगा ऐसे व्यक्ति संपादक हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं और इनको बिजनेस मत्स्य पालन मतलब मछली का ये पालन वाला बिजनेस कर सकते, इनका जो चिन्ह है ये मीन राशि का चिन्ह मछली है तो मत्स्य पालन का भी बिजनेस ये कर सकते हैं, ये संपादक हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं और कमीशन एजेंट हो सकते हैं। इनका मुख्य कला संगीत साहित्य लेखन, बहुत सुंदर लेखक हो सकते हैं, संगीत में रुचि रख सकते हैं, ये कला हो सकते हैं और साहित्य बहुत अद्भुत इनका रहता है। मीन राशि वाले फोटोग्राफी हो सकते हैं, कोरियोग्राफी हो सकते हैं आदि क्षेत्र में अधिक सफलता इनको प्राप्त होता है जिनका भी मीन राशि होगा। ये तेल के अधिकारी हो सकते हैं, जिसका भी मीन राशि होगा विशेष मर्मज्ञ और परम ज्ञानी होता है, ज्योतिष का ज्ञानी होता है, अंक शास्त्र का बहुत ज़्यादा जानकार होता है, ऐसे व्यक्ति अधिकारी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति सेना में भी जाते हैं जिनका मीन राशि होता है और साहित्य को शब्द को अर्थ को बहुत गहराई से समझने वाले होते हैं, इनका ज्योतिष भी बढ़िया होता है और ये उच्च पद को प्राप्त करते हैं। मीन राशि वाले देखा जाए तो व्यवसाय आदि में कम रुचि रखते हैं, कोई धंधा व्यापार बिजनेस करने में इनको रुचि कम रहता है, इनका ध्यान रहस्यों की खोज में अधिक रहता है, कुछ न कुछ इनके मन में खोज करते रहते हैं, लेकिन ये बिजनेस कर सकते, इससे जूता का बिजनेस कर सकते हैं, निर्माण कार्य कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन कार्य कर सकते हैं जिनका मीन राशि हो, ये विज्ञापन एजेंसी का कार्य कर सकते हैं, संगीत का कार्य कर सकते हैं और संबंधित करने पर अधिक सफलता इनको प्राप्त होगा, ये इस सब कार्य करेंगे तो इनको सफलता अवश्य प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों इनमें मानसिक उतावलापन की वजह से बेचैनी बहुत होती, जिनका भी मीन राशि होगा उनके अंदर कभी कभी ज़्यादा मानसिक ढंग से सोचते हैं तो इनके अंदर बेचैनी आ जाती है और बना बना भी काम बिगड़ जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए मीन राशि जो मैंने पहले बताया कि इनका जो तत्व है जल तत्व राशि है, तो जल देखिए जल कहीं अस्थायी रुकता नहीं, जल हमेशा बहता रहता है, तो दिल के तो ये बहुत सौम्य रहेंगे, बहुत साफ रहेंगे, लेकिन मीन राशि वाले जातक किसी का अच्छा सोचेंगे, किसी का अच्छा कार्य करना चाहेंगे पर उनको रिप्लाई उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, किसी का भला करेंगे पर वो व्यक्ति इनका भला नहीं करता जिनकी मीन राशि हो, किसी को सुख दुख में काम आ जाते हैं, लेकिन इनमें एक ही कमी है कि बेचैनी और ज़्यादा सोचते हैं और बनाए बनाए काम क्यों बिगड़ जाता है, क्योंकि जल कहीं स्थायी रुकता नहीं, इनका कार्य क्षेत्र जो है कहीं जाएंगे, मानसिक रूप से ज़्यादा सोचते हैं ये और बनाए बनाए काम बिगड़ जाता है, इसलिए कहीं ज़्यादा इनका ज़्यादा क्लोज किसी से होते हैं वो ज़्यादा चल पाता नहीं। वैसे इनका राशि तो बहुत सौम्य बताया गया है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं,
लिखा गया यश केंद्र बृहस्पति, यदि किसी कुंडली में गुरु बृहस्पति यदि अच्छा होकर बैठे तो व्यक्ति राजा हो जाता है। सब अशुभ दोषों को गुरु एक ऐसा ग्रह है कि जो सब दोषों को नाश करता है, इसलिए देव गुरु बृहस्पति उत्तम बताए गए हैं। केंद्र में कहीं गुरु बैठा हो या त्रिकोण में कहीं गुरु बैठा हो तो बहुत ही लाभकारी। लेकिन आज हमारा मुख्य विषय है मीन राशि के विषय में बात करें, इसके स्वामी गुरु हैं। देखिए देव गुरु बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं, ये सलाहकार हैं। ऐसे व्यक्ति परम ज्ञानी होते हैं, इनसे सब सलाह लेते हैं और इनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन यदि कहीं इनका गुरु गड़बड़ हो या तकलीफ कारक हो तो व्यक्ति को कष्ट भी होता है। देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, यदि गुरु किसी की कुंडली में मीन राशि हो, यदि गुरु गड़बड़ हो तो उनको प्रॉब्लम क्या आ जाता है, इनके अंदर रक्त विकार की कमी आ जाती है, ब्लड प्रेशर होता है किसी का गुरु गड़बड़ है देव, और आंतों में खराबी इनको आती है। और जिनका भी मीन राशि होगा गुरु गड़बड़ होगा, इनके अंदर मोटापन माने थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं, और पैर में सूजन होता है। जिनकी भी मीन राशि होती है इनको पैर की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम, ये सब समस्या बढ़ता है और सूजन पड़ जाता है। इनको हृदय रोग ज़्यादा हो जाता है, उदर विकार, कफ, टाइफाइड, चर्म रोग, और इनको ज़्यादा करके फेफड़े संबंधित बीमारी रहता है। प्रिय मित्रों, यदि किसी का मीन राशि हो और गुरु गड़बड़ हो, ऐसा बीमारी दिखता हो, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को किसी भी मुख्य अवसर को देखें, शुक्ल पक्ष में बृहस्पति यानी भगवान बृहस्पति का व्रत उपासना धारण कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, शुक्ल पक्ष हो गुरुवार के दिन ये प्रारंभ करें। इनको करना क्या, इनका मंत्र क्या है, ओम ब्रिं बृहस्पतये नमः। या तो आप ये रोज मंत्र कर सकते हैं, नहीं तो आप गुरुवार के दिन 108 बार ओम ब्रिं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें, और अगर हो सके तो केले का वृक्ष यदि हो तो केले के वृक्ष में पानी अर्पण करें, और वहाँ थोड़ा हल्दी, चने का दाल और गुड़ अर्पण करें, और बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें। यदि पाठ नहीं कर सकते हैं तो उस केले के वृक्ष के सामने बैठ करके 21 बार ओम ब्रिं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें तो अद्भुत लाभ मिलता है और शुभ कार्य होता है। बृहस्पति के देखिए देखा जाए तो इनके जो है मुख्य माने गए हैं भगवान शिव जी, तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। सोमवार के दिन कहीं नज़दीकी शिव मंदिर हो वहाँ शिवलिंग पे दूध अर्पण करिए, पानी अर्पण करिए, और एक बेलपत्र और थोड़ा सा चावल हल्दी लगा करके वहाँ शिवलिंग पे अर्पण करेंगे तो भी ज़बरदस्त आपको ये लाभ प्राप्त अवश्य होगा। प्रिय मित्रों, गुरुवार के दिन देखिए गुरु का अर्थ है पीला, किसी का मीन राशि हो तो उनका जो बताया गया है गुरु माने बृहस्पति पीला, तो आप गुरुवार के दिन हो सके तो पीला दाल, कोई भी दाल हो सकता है, चाहे चने का दाल हो चाहे तुअर का दाल, कुछ भी हो जो पीला दिखे, अपने सिर को क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के कहीं मंदिर में दान करिए, या कहीं दत्तात्रेय का मंदिर हो या कहीं विष्णु जी का मंदिर हो, वहाँ अर्पण करने से काफ़ी ज़्यादा अपने को लाभ प्राप्त होता है। किसी गरीब को पीला वस्त्र दान करें आप, या किसी को आप कुछ पीला मीठा खिलाएं तो ज़्यादा करके लाभ प्राप्त होता है। लेकिन ये जो मैंने मंत्र बताया ओम ब्रिं बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो ज़्यादा करके आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम थोड़ा और गहराई चलते हैं, यहाँ देखिए मैं एक विवेचन किया हूँ, ये देखिए प्रथम स्थान, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, मैंने आपसे पहले बताया कि प्रथम स्थान यही कहा जाएगा, अंक कोई भी हो तो पहला लग्न यही है। कहा देखिए मैं 12 लिखा हूँ तो 12 का अर्थ हो गया मीन लग्न, क्योंकि यहाँ आज मुख्य बात हो रहा है राशि का, तो ये चंद्रमा कहीं भी 12 हो, चंद्रमा यदि मीन 12 पर रहेगा तो ही मीन राशि होगा। तो यहाँ मैं एक विवेचन किया हूँ, मीन लग्न की कुंडली है, यहाँ 12 है तो मीन लग्न हो गया, चंद्रमा वहाँ बैठा है तो मीन राशि हो गया। अब ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, पुष्कराज रत्न और मोती रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। जिसका भी ऐसी कुंडली हो, मीन राशि हो, मीन लग्न में चंद्रमा बैठा हो, तो व्यक्ति को आँख मूंद करके गुरु का रत्न पुष्कराज रत्न धारण करना चाहिए और मोती रत्न धारण करना चाहिए, तो बहुत ही लाभकारी है। लेकिन मंत्रों का जाप करके, पुष्कराज गुरु का जप करके और मोती चंद्रमा का जप करके, या अच्छे परामर्श ज्योतिष कोई जानकार ब्राह्मण से सलाह लेकर के इस रत्न का धारण करेंगे तो अवश्य आपको लाभ प्राप्त जरूर होगा। प्रिय मित्र आगे बढ़ते हैं, अब आपको हम बताने चल रहे हैं कि मुख्यतः मीन राशि में जिसका जन्म हुआ है कितना नक्षत्र आता है, कितना चरण आता है, उनकी संपूर्ण आयु कितना होती है। देखिए मीन राशि को देखा जाए पूरा संसार में सब मीन राशि वाले हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये परिवर्तन योग कैसे आता है कि कोई धनवान हो जाता है,
कोई अर्थ से गरीब हो जाता है, कोई अर्थ से सुख में रहता है, कोई अर्थ से दुख में रहता है, इसका अंतर क्यों? इसका अंतर यही है कि राशि तो वही है पर जो चरण बताया गया है, नक्षत्र बताया गया है कि एक राशि में जो नक्षत्र आता है, जो चरण आता है, व्यक्ति किस चरणों में जन्म लिया है उसका प्रभाव अपने शरीर पे बहुत असर पड़ता है। उसका स्वभाव किस चरण जन्म लिया है उसका असर जरूर पड़ता है। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने चाहिए। देखिए मीन राशि में जो बताया गया है, पूर्वा भाद्रपद के एक चरण, उत्तरा भाद्रपद के चार चरण और रेवती के चार चरण मिलकर के मीन राशि बनता है। अब किसी भी जातक जातिका का यदि मीन राशि में जन्म हुआ हो और पूर्वा भाद्रपद का प्रथम चरण यदि व्यक्ति का हो तो व्यक्ति क्या होता है? धनवान होता है। वो व्यक्ति जीवन में धन का भोग करेगा, उनके घर में मान सम्मान, वैभव, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ प्राप्त होता है। वाहन का सुख जो है, मकान का सुख, बंगले का सुख, गाड़ी मोटर, बैंक बैलेंस सब कुछ उपलब्ध रहता है जिस व्यक्ति का मीन राशि हो और पूर्वा भाद्रपद का जो एक चरण बताया गया है उसमें जन्म लिया हो तो व्यक्ति अवश्य धनवान होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी का मीन राशि हो और उत्तरा भाद्रपद का चार चरण बताया गया है तो उत्तरा भाद्रपद का जो चार चरण है उस पहले चरण में क्या है? देखिए मंद व्यक्ति होता है। मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो, पहले चरण में व्यक्ति मंद होता है, धीरे गति चलता है। और दूसरे में बताया गया दूसरे में लंपट योग बन जाता है। और तीसरा जो चरण बताया गया है व्यक्ति धनवान बनता है, सब कुछ प्राप्त करता है उत्तरा भद के। लेकिन चतुर्थ चरण जो बताया गया है व्यक्ति चोर होता है, वो व्यक्ति मन से क्रूर होता है, गलत कार्य करता है और धीरे धीरे उसकी जो है ख्याति जो होती है धीरे धीरे दबती जाती है। प्रिय मित्र आगे बढ़ते हैं। मीन राशि हो, रेवती का चार चरण बताया गया है। यदि व्यक्ति किसी का मीन राशि हो, रेवती के प्रथम चरण जन्म लिया व्यक्ति तो कपटी होता है, उसके मन में कपट रहता है, लोभ रहता है और व्यक्ति किसी का अनहित कर देता है और पूर्ण रूप से किसी का व्यक्ति भला नहीं करता है। यदि रेवती के दूसरे चरण में जन्म लिया हो मीन राशि वाले तो क्या होते हैं? निर्धन होते हैं। उनके पास कितना परिश्रम करेंगे पर उनके पास कभी धन मिलेगा नहीं, न तो उनको परिवार का सुख मिलेगा, न तो पत्नी का सुख मिलेगा, न तो पुत्र का सुख मिलेगा, न तो भूमि वन वाहन कुछ भी सुख प्राप्त, क्योंकि निर्धन का अर्थ है जिसके पास कुछ भी न हो, न खाने को, न पीने को, न सोने को, न उठने को, न बैठने, कुछ भी जिसके पास न हो उसे निर्धन कहते हैं। परिश्रम करेंगे पर उतना लाभ नहीं प्राप्त होता है। प्रिय मित्र आगे बढ़ते हैं। किसी का मीन राशि और रेवती नक्षत्र का जो तीसरा चरण बताया है, व्यक्ति अगर जन्म लिया हो रेवती नक्षत्र में तो व्यक्ति भाग्यवान होता है, कुछ भी कार्य करेगा व्यक्ति भाग्य उसका जो है कदम चूमेगी और व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है। यदि रेवती के चतुर्थ चरण बताया गया व्यक्ति तो क्लेशहीन होता है, व्यक्ति मन से क्लेश रहता है, दुखी रहता है, उसको कष्ट मिलता है। तो मैं आज बताने जो चल रहा हूँ कि मीन राशि जो आपको मैंने बताया, तीन नक्षत्र मिलके एक राशि बनता है जो कि मीन राशि। तो तीन नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद का एक चरण, उत्तरा भाद्रपद का चार चरण और रेवती का चार, टोटल हो गया नौ चरण। तो मैंने पहले बताया कि एक राशि में नौ चरण मिलकर के एक राशि बनता है। प्रिय मित्रों अब किसी का मीन राशि में जन्म हुआ हो तो उनका संपूर्ण आयु कितना होता है? तो मैंने विवेचन किया हूँ, जब व्यक्ति जातक जातिका मीन राशि में जन्म लेते हैं तो 18 वर्ष में इनको कष्ट मिलता है। जन्म होने के बाद जब 18वां वर्ष आता है तो इनको काफी कष्ट पहुंचता है। जब ये 33 वर्ष के होते हैं इनको शरीर में खतरनाक रोग उत्पन्न होता है, कष्ट होता है। व्यक्ति जब 61 वर्ष का होता है, सबसे खतरनाक समय 61 वर्ष का व्यक्ति जब पहुंचता है तो इसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है या मृत्यु ही हो जाता है, काफी कष्ट पहुंचता है या तो मृत्यु जैसे कष्ट से बची कैसे कैसे बच जाते हैं, लेकिन कष्ट बहुत ज्यादा बताया गया 61 वर्ष में। इनका संपूर्ण आयु 65 वर्ष, माघ शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, गुरुवार, पुनर्वसु नक्षत्र, प्रातः समय, देह का ये त्याग करते हैं जिसका भी मीन राशि हो। प्रिय मित्रों लेकिन इसका विवेचन बहुत अद्भुत बताया गया है मानसागरी में। यदि किसी का मीन राशि हो, उनका संपूर्ण आयु जो बताया गया है 65 वर्ष, माघ शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, गुरुवार, पुनर्वसु नक्षत्र, प्रातः समय, देह का त्याग करते हैं, लेकिन यदि चंद्रमा पे, चंद्रमा माने राशि की बात चल रही है, यदि चंद्रमा पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति दीर्घ आयु होता है, बहुत सारा राज करता है, अंतगत्वा शरीर को त्याग करता है। प्रिय मित्रों यदि किसी का गुरु ज्यादा गड़बड़ हो तो उनको देखिये मैं यहाँ एक यंत्र बताया हूँ, इसे बोलते हैं बृहस्पति यंत्र। आप इसको देख सकते हैं जो संख्या लिखा गया है 10, 5, 12, 11, 9, 7, 6, 13, 8,
ये व्यक्ति क्या करना चाहिए, गुरु जो होते हैं ये बहुत शुभ ग्रह माने गए हैं, और किसी का विवाह में प्रॉब्लम मान ली, स्त्री का किसी लेडीज का या पुरुष का किसी एक सौ के अगर विवाह का प्रॉब्लम होता हो, तो ऐसे व्यक्ति पीले कपड़े पे बिछा करके, पीला जो है अपना कुछ भी पीला चीज रख, जैसे मान लीजिए पीला दाल हो गया, नहीं पीला दाल मिलता है तो चावल पीला कर लीजिए, उस पर बिछा करके इस यंत्र को आप रख करके प्रतिष्ठा पूजा करेंगे और मंत्र जो मैंने बताया हूँ बृहस्पति में जाप करेंगे, तो अवश्य यदि विवाह में कोई प्रॉब्लम होता तो विवाह का संकट दूर होगा, या कोई सुख में बाधा होता तो अवश्य दूर होगा, और जब इस यंत्र को 16 गुरुवार हो जाए उसके बाद कहीं पानी में बहते हुए विसर्जित कर दे तो अवश्य लाभ प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया कि मीन राशि में कितना नक्षत्र आता है, कितना चरण आता है, और मीन राशि वालों में जातक जातिका क्या संपूर्ण आयु कितना होता है, और अगर किसी का गुरु गड़बड़ हो तो उन्हें ये नियम करना चाहिए तो लाभ अवश्य प्राप्त मिलता है। प्रिय मित्र, वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगले एपिसोड फिर मिलते हैं, नमस्कार।